अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे थे वो मायूस लोगों की, हम लोग ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे, तो ये बेसिकली जो है ये आदत कंपैरिजन की भी आ जाती है कि हमेशा दूसरों को देखते रहते हैं, ना शुक्री करते रहते हैं, जो मिला होता है वो नहीं सोचते, जो नहीं मिला उसको हमेशा मांगते रहते हैं। ये इसका एक पार्ट है, एक पार्ट है जो आपने बताया। दूसरा ये है कि वो हर चीज़ की डार्क साइड देख रहे होते हैं, वो आगे जाने की बजाय रास्ते की बजाय मुश्किलात के बारे में सोच रहे होते हैं। एक फार्मूला वन कार रेसिंग जो है, जो दुनिया की सबसे महंगी स्पोर्ट्स है जी, तो एक ड्राइवर जो था वो आमतौर पर एक ड्राइवर एक आध कार ही जीत सकता है कार रेस, फिर वो एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, कोई मार हो जाते हैं। तो एक ड्राइवर ने 3 दफ़ा मुसलसल वो फार्मूला वन कार रेसिंग जीती। तो साफियों ने इंटरव्यू किया कि इसकी क्या वजह है, आपने रिकॉर्ड बना दिया, ये कैसे हुआ? उसने कहा कि जब मैं ड्राइव करता हूँ तो मैं मंजिल पर नज़र रखता हूँ, रास्ते पर नज़र रखता हूँ, जबकि दूसरे ड्राइवर रास्ते में पड़ी रुकावटों को देख रहे होते हैं कि वो मोड़ आ गया, वो टायर रखे हुए हैं, वहाँ पे बोरियाँ रखी हुई हैं, वो रुकावटों को देखते हैं, जो रुकावटों को देखते हैं वो रुकावटों से टकराते हैं। मैं मंजिल को सामने रखता हूँ, रास्ते को देखता हूँ और मंजिल पर पहुंच जाता हूँ। तो आम जिंदगी का भी यही उसमें यही फॉर्मूला है कि कुछ लोग मुश्किलात को, आप देखिए किसी को कहना आप ये काम करे तो वो आगे से प्रॉब्लम्स बताएगा, नहीं ये नहीं ये होगा, यूं नहीं हो जाएगा, रास्ते में प्रॉब्लम आ जाएंगे। अच्छा, पहले ही उन्होंने बहाना तैयार किया, पहले से बनाया होता है। और कुछ लोग मिलने वाले इनाम के बारे में, रिवार्ड के बारे में सोच रहे होते हैं, उस अचीवमेंट की सेंस को एंजॉय कर रहे होते हैं कि जब मैंने ये पा लिया तो कितना मजा आएगा।